हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मेक माय एग्जाम एज यू नो माय सेल्फ प्रिंस शर्मा टुडे वी डिस्कस हाउ वी गेट 50 आउट ऑफ 50 इन सीजीएल 2017 इन रीजनिंग देखिए ध्यान दीजिए रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है बाय विच यू गेट 50 आउट ऑफ 50 विद इन अ फ्यू मिनट्स ध्यान दीजिए अगर आपके पास साठ नंबर का पेपर है और चार सेक्शंस हैं रीजनिंग के एरिया में आपके पास मैक्स आते हैं फिफ्टीन मिनट बट मैथ्स इंग्लिश जी के और इनके भी फिफ्टीन फिफ्टीन मिनट तो कहीं ना कहीं समवेयर वी हैव टू डू विद इन अ ट्वेल्व मिनट्स हमें रीजनिंग को कंप्लीट करना होगा बारह मिनट के अंदर ध्यान दीजिए वट शुड आवर स्टार्ट अबाउट द मार्क्स टू गेट फिफ्टी आउट ऑफ फिफ्टी ध्यान दीजिए अगर हम बात करना चाहें लास्ट ईयर के पाँच सालों के पेपर के बारे में तो लास्ट पाँच सालों में एनालोजी के कम से कम छः से आठ मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं बात करें क्लासिफिकेशन के क्लासिफिकेशन के छः से आठ मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहे हैं बात करें कोडिंग डिकोडिंग की कोडिंग डिकोडिंग दो से चार मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहे हैं सिलाग्स सिलाग्स के कम से कम दो क्वेश्चन दैट मीन्स टू बी से दैट अगर दो नंबर का एक रहेगा तो चार मार्क्स के लिए सीरीज के दो से तीन क्वेश्चन सिक्स मार्क्स के लिए नॉन वर्बल जो देखते ही क्वेश्चंस हो जाते हैं पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग वाटर इमेज मिरर इमेज जस्ट एक आईक्यू स्टैंडर्ड लगाना है विद इन अ ट्वेंटी सेकेंड्स वो क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे और नॉन वर्बल आपके एग्जाम में आएगा सिक्स टू एट मार्क्स एट मार्क्स के लिए अगर वेन डायग्राम्स की बात करें वेन डायग्राम्स के दो क्वेश्चन आते हैं जर्नल दो क्वेश्चन आएंगे फोर मार्क्स के लिए अगर हम बात करना चाहें इनके अलावा ब्लड रिलेशन एक से दो क्वेश्चन लास्ट सीजीएल 2016 में दो क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन के डायरेक्शन का एक क्वेश्चन तो ब्लड रिलेशन फोर मार्क्स के लिए डायरेक्शन दो मार्क्स के लिए रैंकिंग की बात करें रैंकिंग एक से दो नंबर के लिए काम करता है इसके अलावा अगर हम और मिसलिनियस टॉपिक्स की ओर जाएंगे तो दो से चार नंबर के लिए करेंगे जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा लास्ट फाइव इयर्स के क्वेश्चंस के बारे में एनालॉजी फाइव टू सिक्स मार्क्स क्लासिफिकेशन फाइव टू सिक्स मार्क्स कोडिंग डिकोडिंग फोर टू फाइव मार्क्स सीरीज थ्री टू फोर मार्क्स सिलॉग्स फोर टू सिक्स मार्क्स ब्लड रिलेशन टू टू फोर मार्क्स स्टेटमेंट अजम्पन्स एंड स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स दो क्वेश्चन आएंगे तो फोर मार्क्स सिंगल क्वेश्चन आएगा तो टू मार्क्स डायरेक्शन टू मार्क्स के लिए रैंकिंग टू मार्क्स के लिए नंबर पजल्स नंबर पजल्स वो होते हैं आपको एक पिक्चर के अंदर कुछ नंबर डाल के देगा उनके बारे में डिस्कशन करना होगा वो टू टू फोर मार्क्स के लिए नॉन वर्बल नॉन वर्बल वही पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग वाटर इमेज मिररर इमेज एम्बेडेड फिगर्स वो सभी इसी में आते हैं और ये तीन से चार क्वेश्चन रहेंगे तो सिक्स टू एट मार्क्स डायग्राम दो क्वेश्चन टू टू फोर मार्क्स मैथ्स रीजनिंग मैथ्स रीजनिंग में कई बार एज बेस्ड प्रॉब्लम पूछ लेता है कई बार आपको मैथ्स रीजनिंग पे क्वेश्चन अराइज कर देता है वो टू मार्क्स एक क्वेश्चन मैट्रिक्स मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन फाइनलाइज लास्ट क्वेश्चन वही मिलेगा गाइज उसके अलावा काउंटिंग ऑफ फिगर्स काउंटिंग ऑफ फिगर्स आकृतियों को गिनना आकृतियों को गिनना आपको ट्रेंगल्स हाउ मेनी ट्रेंगल इन दिस फिगर हाउ मेनी स्केयर इन दिस फिगर हाउ मेनी रेक्टेंगल इन दिस फिगर इस टाइप के क्वेश्चन और उसके आपके एक से दो क्वेश्चन दैट मीन्स आपका दो नंबर के लिए मिनिमम वो काम करेगा और अगर एंड क्यूब की बात करें एंड क्यूब का लास्ट चार सालों से कंटिन्यू एक क्वेश्चन आ ही रहा है दैट मीन टू बी सी दैट एंड क्यूब का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा बाय दिस यू गेट टू मार्क्स अब ध्यान दीजिए दीजिएगा इसके अलावा हम बात करना चाहें हमारे टॉपिक्स क्लॉक कैलेंडर इनके 2012 के बाद से क्वेश्चंस नहीं आए लास्ट 2012 या 13 में डाइजेंट कैलेंडर्स के क्वेश्चन पूछे गए अभी लास्ट एमटीएस के रिसेंट में एग्जाम हुए मल्टी टास्किंग स्टाफ उनके भी एक एक क्वेश्चन उनमें दिया गया पर सी एच एस एल और सी जी एल लेवल में दो हज़ार बारह के बाद कभी भी कैलेंडर और क्लॉक पे क्वेश्चन नहीं पूछे गए इसके अलावा और अगर हम बात करना चाहें टॉपिक्स की जैसा आपके कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके क्वेश्चन लास्ट कई ईयर्स में पूछे गए हैं परंतु अब नहीं पूछे जा रहे तो मेनली लास्ट चार से पांच सालों के बीच बीच में आपको इन्हीं सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं ध्यान दीजिए गाइज अब हमें रीजनिंग में बारह मिनट मैक्सिमम यूज़ करने हैं और 48 प्लस का टारगेट लेके चलना है दैट मीन्स 50, 48 या 50, 24 क्वेश्चन या 25, इससे कम नहीं कर सकती क्योंकि तो लास्ट ईयर की अगर मैं सीजीएल की बात करना चाहूं 137 थर्टी सेवन आपकी प्री की कट ऑफ गई थी दैट मीन्स यू शुड हैव टू गेट मिनिमम 48 अगर आपको एक अच्छे लेवल की जॉब के लिए जाना है तो रीजनिंग को आपको परफेक्ट करना ही होगा तो अब हम बात करना चाहें अगर कि हमें पढ़ना कैसे है चीजों को कैसे ध्यान रखना है कैसे करना है इसके लिए बात करेंगे तो बात क्या ध्यान रखनी है रीजनिंग मैक्सिमम ट्वेल्व मिनट्स लगा के ट्वेंटी फोर या ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन बनाने हैं बनाने हैं एग्जैक्ट दैट मीन्स फोर्टी एट या फिफ्टी मार्क्स लाने हैं इन्हें अब कैसे पढ़ेंगे ट्रिक से कैसे करेंगे अगर मैं आपके साथ बात करना चाहूं लास्ट सी जी एल दो हजार सोलह सी आपका हुआ 43 शिफ्ट में एक शिफ्ट कैंसल हो के एक पेपर एग्ज़ाम हुआ कुल मिला के हो गए फोर्टी फोर शिफ्ट एक शिफ्ट में एक सेट में 100 क्वेश्चन थे तो टोटल कितने हो गए फोर्टी फोर हंड्रेड क्वेश्चन जिसमें से मैथ्स के क्वेश्चन हो गए आपके 1100, हंड्रेड रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए 1100, हंड्रेड जी के क्वेश्चन हो गए 1100 हंड्रेड और इंग्लिश के क्वेश्चन हो गए 1100। हंड्रेड अब आप खुद सोचिए इतने सारे क्वेश्चंस नए जनरेट करना इंपॉसिबल बात होती है दैट मींस कहीं ना कहीं इन 1100 क्वेश्चंस में से 700 से 800 क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीटेड थे लास्ट ईयर्स के सो so गाइस सबसे पहली बात आप ध्यान रखेंगे कि हम प्रीवियस ईयर्स के कम से कम फाइव टू टेन ईयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उन पे गौर से काम करेंगे ज्यादा ध्यान से काम करेंगे उन्हें बार बार बना के देखेंगे और दूसरी बात रीजनिंग में अगर हमारा टारगेट फोर्टी एट है फोर्टी एट टारगेट को कवर करने के लिए हम डेली एक सेट रीजनिंग का अगर आप ऑफलाइन बनाएंगे तो टेन मिनट के अंदर और अगर आप ऑनलाइन ट्राई कर रहे हैं तो ट्वेल्व मिनट के अंदर डेली एक टेस्ट बनाएंगे ही बनाएंगे डेली इसके लिए पर्टिकुलर कोई स्पेशल बुक खरीदने की जरूरत नहीं यू शुड हैव टू बी ट्राई वन सेट ऑफ रीजनिंग ऑफलाइन अगर ट्राई कर रहे हैं तो टेन मिनट में ऑनलाइन ट्राई कर रहे हैं तो 12 मिनट्स में डेली एक सेट बनाएंगे अप टू द एग्जाम जब तक एग्जाम नहीं होता क्यों क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो पाएंगे बाय दिस यू गेट डेफिनेटली 48 फोर्टी एट मार्क्स आउट ऑफ फिफ्टी यू शुड हैव टू बी ट्राई टू अटेम्प्ट देखिए ध्यान दीजिए मैंने यहाँ फोर्टी एट ही क्यों बोला क्योंकि कहीं ना कहीं रीजनिंग का एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जहाँ पे आपकी चॉइस कुछ और हो सकती है एग्जामिनर व्यू कुछ और हो सकता है उस क्वेश्चंस को आप मोर टू बी मोर प्रैक्टिस के साथ कवर कर सकते हैं बट एग्जैक्ट आंसर की और आप नहीं जा सकते सो so, बिना रिस्क लिए पॉइंट टू फाइव का एग्जैक्ट क्वेश्चन पे मार्क कीजिए और आप इस स्टैट के जरिए इस प्रोसेस के जरिए आप कम से कम कम से कम भी 48 मार्क्स लाएंगे ही लाएंगे ये मेरा दावा है थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब्स आवर चैनल थैंक यू वंस अगेन